फ्रेंड्स, आज की जो मेरी ये वीडियो है ये आपके ही एक सवाल पे है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हम लोग बहुत ज्यादा डाउट में हैं अपने चाय को लेके। अभी रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे सर्वे किया था कि आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या लेना पसंद करते हैं या फिर आप क्या लेते हैं। तो आप देखिए, सबसे ज्यादा लोगों ने बताया कि वो अपने ब्रेकफास्ट में चाय लेते हैं, और चाय भी कौन सी, दूध और चीनी वाली। तो आज का मेरा ये वीडियो इसी चीज पे है कि क्या आपको चाय छोड़नी चाहिए, आपको चाय नहीं छोड़नी चाहिए, कितना चाय पीना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज आती है कि क्या हमें चाय छोड़नी चाहिए। तो इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको किस कंडीशन में चाय छोड़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि चाय उन लोगों को छोड़ना चाहिए जो बहुत ज्यादा चाय पीते हैं। अगर आप दिन भर में 5-6 कप चाय पीते हैं तो डेफिनेटली आपको चाय को छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए। 4-5 कप की जगह आप 1 कप पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में चाय पीते हैं तो ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। बाकी सब चीजें तो आपको पता ही है, लेकिन आपकी ब्रेन हेल्थ पे इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि चाय में कैफीन होता है जिसकी ज्यादा मात्रा हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा चाय पीने की आदत है उनको अपनी चाय पे कंट्रोल जरूर करना चाहिए। दूसरा, जिन लोगों को शुगर या बीपी का प्रॉब्लम है उन लोगों को भी चाय को कंट्रोल करके पीना चाहिए। कोशिश करिए कि बिल्कुल छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो 1 कप से ज्यादा चाय आपको बिल्कुल भी नहीं पीनी है, क्योंकि चाय का मतलब हमारे इंडिया में तो यही होता है कि उसमें चीनी भी अच्छी मात्रा में होना चाहिए और दूध भी अच्छी मात्रा में होना चाहिए। एकदम कड़क चाय पत्ती की चाय अगर आप पीते हो तो आपको इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके पीने की जरूरत है, अगर आप डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है, या फिर आपको बीपी से रिलेटेड इश्यूज है। तीसरा, अब आ जाते हैं सबसे गहन मुद्दे पे, यानी कि वेट लॉस। क्या वेट लॉस करने के लिए चाय छोड़ना जरूरी है? तो देखिए, मेरी राय में तो वेट लॉस करने के लिए चाय छोड़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, अगर अगर आप अपनी पूरा दिन की जो डाइट है वो सही तरीके से लेते हैं। जितनी आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है आप उतनी लेते हैं, बाकी सारी चीजें आपकी सही तरह से जा रही हैं, सारी चीजें आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जो एक्टिव भी हैं, आपका जो बाकी दिन का खाना है वो भी आपका सही है, फ्रेश चीजें खाते हैं, ज्यादा प्रोसेस्ड खाना नहीं खाते हैं, ज्यादा तला भुना खाना नहीं खाते हैं, तो आप दिन में 1 कप चाय बड़े आराम से पी सकते हैं। अपना नाश्ता अपनी मर्जी से कीजिए, क्योंकि जब हम अपने मन की चीजें खाते हैं ना, स्पेशली चाय जैसी चीज जो कि मतलब हमारे फीलिंग्स से, हमारे इमोशंस से जुड़ी हुई होती है, तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं। तो इसलिए 1 कप चाय पीने में कोई बुराई नहीं है, आराम से आप पी सकते हो। लेकिन उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि आपको शुगर, क्योंकि कंट्रोल करना होता है अगर आप वेट लॉस पे हो, क्योंकि शुगर बहुत जल्दी आपका वजन बढ़ाती है। और शुगर की सबसे गंदी बात यह होती है कि अगर आपने एक बार कोई पीस ले लिया मीठे का, आपने एक बर्फी ले लिया, एक लड्डू ले लिया, एक रसगुल्ला ले लिया, तो फिर आपको मन करता रहता है एक और का, यानी कि आपकी क्रेविंग को लगातार इंक्रीज करता रहता है। एक पे रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जो लोग मीठा ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए आपको 1 कप चाय पे रुकना बहुत जरूरी है। अगर आप 1 कप चाय पी के नहीं रुके, आपने फिर और भी मीठा अगर खा लिया, तो डेफिनेटली ये आपकी वेट लॉस में डिस्ट्रैक्शन पैदा जरूर कर देगा, आपकी वेट लॉस जर्नी को वहीं रोक देगा। तो इसलिए 1 कप चाय पे अगर आप स्टिक हो सकते हैं तो डेफिनेटली आपको चाय छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, यानी कि जिनका पेट क्लियर नहीं होता, जिनकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, या जिनको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, उनको चाय को छोड़ देना चाहिए। या फिर अगर आप बिल्कुल नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आपको एक चीज बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि चाय कभी भी आपका फर्स्ट ड्रिंक नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे बैटरी पीते हैं ना, कि सुबह उठ के सबसे पहले मुंह में जो जाएगा वो चाय जाएगी, ये वाली आदत आपको जरूर छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सुबह सुबह उठ के खाली पेट चाय पीते हैं तो ये आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज को बढ़ा सकती है, और इसके अलावा पेट से जुड़ी हुई और बीमारियों की भी ये जड़ बन सकती है। तो इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको चाय छोड़ देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके जरूर काम आई होगी। बाकी लोगों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को चाय से रिलेटेड बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे इश्यूज है, वो आप सबके जरूर क्लियर हो गए होंगे। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।